बॉलीवुड से एक बड़ी खबर सामने आई है। 90 के दशक में लोगों को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाले प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन मनमोहन को 3 दिसंबर को रात को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। उस वक्त वो अपने घर पर ही मौजूद थे। हार्ट अटैक आने के बाद वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत मुंबई के कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। नितिन मनमोहन पिछले 2 दिनों से डॉक्टरों की निगरानी में है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रोड्यूसर पर दवाओं का असर तो हो रहा है, लेकिन उनकी हालत में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा। नितिन मनमोहन की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है, उन्हें फिलहाल आईसीयू में रखा गया है। गौरतलब है कि फिल्म प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन ने बोल राधा बोल, लाडला और 10 जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। फिलहाल नितिन अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में है। नितिन की हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। उनकी सीरियस कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि कई डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है और उनकी सेहत पर हर पल नजरें बनाए हुए हैं। नितिन मनमोहन की सेहत को लेकर उनके परिवार के लोग भी काफी चिंतित हैं और उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। नितिन मनमोहन को हार्ट अटैक आने की खबर सामने आते ही उनके तमाम फैंस और बॉलीवुड हस्तियां भी उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन के हार्ट अटैक की खबर सुनते ही एक्टर अक्षय खन्ना उनसे मिलने अस्पताल भी पहुंचे थे। अक्षय खन्ना ने नितिन की फिल्म सब कुशल मंगल में काम किया है। इसके अलावा वो नितिन के पारिवारिक दोस्त भी हैं। आपको बता दें कि प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मनमोहन के बेटे हैं। दिवंगत अभिनेता मनमोहन ब्रह्मचारी, गुमनाम और नया जमाना जैसी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इंडस्ट्री में लोग नितिन को उनके पिता मनमोहन की परछाई कहते हैं। पिता की तरह नितिन भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए, लेकिन एक्टिंग से अलग उनकी दिलचस्पी फिल्मों के लिए पैसा लगाने में रही। आपको बता दें कि नितिन मनमोहन अब तक कई शानदार फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। वो प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं। नितिन मनमोहन को आखिरी बार दूरदर्शन के टीवी सीरियल भारत के शहीद में चंद्रशेखर आजाद की भूमिका में देखा गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।